सलमान खान ने भांजी आयत के साथ मनाया 58th बर्थडे। बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान ने अपना 58th बर्थडे अपनी भांजी आयत और परिवार और बाकी क्लोज फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट किया। सलमान खान के साथ ही उनकी भांजी आयत का बर्थडे भी 27 दिसंबर को ही आता है और उसके बर्थडे के बाद से सलमान खान अपना हर बर्थडे आयत के साथ सेलिब्रेट करते हैं। अपना बर्थडे आयत के साथ मनाने के लिए सलमान खान एक रात पहले कलीना एयरपोर्ट पहुंचे और वहां से सीधा वो अपनी बहन अर्पिता के घर पहुंच गए। यहां अर्पिता, आयुष शर्मा और परिवार के बाकी लोगों के साथ उनके दोस्त बॉबी देओल भी मौजूद रहे। बॉबी देओल ने इस बर्थडे सेलिब्रेशन की कुछ खास तस्वीरें अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट की हैं, जो काफी पसंद की जा रही हैं। अर्पिता शर्मा के घर पर सलमान खान की पूरी फैमिली ने बर्थडे सेलिब्रेट किया। एक 3 मंजिला शानदार केक सलमान खान और आयत ने मिलकर कट किया। पार्टी में मौजूद सभी लोगों ने दोनों को विश किया। बॉबी देओल ने इन शानदार लम्हों को सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए लिखा, मामू आई लव यू। आपको बता दें, बॉबी देओल को रेस 3 में रोल देकर सलमान खान ने ही उनके डूबते करियर को सहारा दिया था, इसीलिए बॉबी देओल सलमान खान को बहुत मानते हैं। वहीं सलमान खान की फैमिली की बात करें तो उनके लिए सेलिब्रेशन का इस हफ्ते ये दूसरा मौका है। हाल ही में सलमान खान के भाई और एक्टर अरबाज खान ने अपनी लेडी लव शूरा खान से निकाह किया था, जिसमें सलमान खान समेत पूरे परिवार ने डांस किया और जमकर सेलिब्रेट किया। वॉकफ्रंट की बात करें तो टाइगर 3 की सक्सेस के बाद सलमान खान टाइगर वर्सेस पठान में जल्दी ही नजर आ सकते हैं।